मम्मीज एंड डैडीज वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कभी कभी बच्चों का खाना न खाना या फिर खाने को देख के भूख न लगने का बहाना बना देना कभी कभी ये चल जाता है, बट हमेशा अगर बच्चा ऐसे ही बोलता है सो एक टेंशन का सब्जेक्ट हो सकता है। दोस्तों बच्चे को भूख ना लगना या फिर भूख बहुत कम लगना ये बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है, बट इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ही जरूरी है। बिकॉज अगर आपने इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला सो उस टाइम पे आपके बच्चे को कोई भी बीमारी लग सकती है या फिर बच्चे का जो वेट है वो बहुत ही कम हो सकता है। सो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को भूख कम क्यों लगती है, इसके क्या रीजंस हैं और इसका क्या आप उपाय कर सकते हैं जिससे आपके बच्चे को लगे एक प्रॉपर भूख। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बच्चे को भूख न लगने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपके बच्चे को फीवर आ रहा है या फिर उसके गले में कुछ प्रॉब्लम है, गले में खराश हो रही है या फिर उसको कोई और भी बीमारी है, उस वजह से भी बच्चे को भूख नहीं लग सकती है। सेकेंड रीजन हो सकता है दोस्तों कि अगर बच्चे का कोई दोस्त है या फिर बच्चे का कोई बहुत ही क्लोज रिलेशन वाला कोई भी है, उसके पेरेंट्स हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कोई भी है, उससे अगर दूर चले जाते हैं तो उस टाइम पे भी बच्चा एक फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है और उस टाइम पे भी बच्चा खाना नहीं खाता है। थर्ड हो सकता है दोस्तों कि बच्चा अगर जंक फूड ले रहा है सो उस टाइम पे भी बच्चे को प्रॉपर भूख नहीं लगेगी। उसके अलावा दोस्तों अगर आपका बच्चा फिजिकली एक्टिव नहीं है, वो पूरे टाइम आपका टीवी के सामने बैठा रहता है या फिर पूरे टाइम वो लेट के फोन चलाता रहता है सो उस टाइम पे भी बच्चों के जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बच्चे की जो भूख है उसमें कमी आ सकती है। सो ये तो थे दोस्तों कुछ रीजंस जिनकी वजह से बच्चा खाना नहीं खा रहा है। सो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ऐसे क्या आप उपाय कर सकते हैं जिससे आपका बच्चा खाए आराम से एक प्रॉपर खाना। पहला दोस्तों, बच्चे जो होते हैं वो कलरफुल चीजें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सो आपको क्या करना है कि आप जो भी डिश आप बच्चे के लिए बना रही हैं हो सके तो उसमें कुछ ऐसा बनाए कि जिससे कि बच्चे को कलरफुल दिखे, उसको बच्चे की तरफ अट्रैक्ट करें, उसको अलग अलग शेप में काटें, उस सब्जी को अलग अलग डिजाइन में काटें। सो उससे क्या होगा कि बच्चा अट्रैक्ट होगा उस चीज की तरफ और बच्चे का उस चीज को खाने का मन करेगा। दूसरा, जो भी आप चीज बना रही हैं सो सारे फैमिली मेंबर्स उसको बहुत ही अच्छे से अगर खा रहे हैं तो आप बच्चे को एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि देखो ये उसने इतने अच्छे से खाई है, ये इसने इतने अच्छे से खाई है। सो उस केस में भी बच्चा उस चीज को बहुत ही आराम से खा लेता है। सेकेंड दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि बच्चा कितना खाना खा रहा है ये आपको डिसाइड नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू डिमांड, बच्चा जितना डिमांड कर रहा है उतना उसको आप फूड दीजिए, क्योंकि अगर आप उसको ज्यादा फूड देने की कोशिश करेंगे सो ऑब्वियस सी बात है बच्चा उस चीज को नेग्लेक्ट करेगा। सो आपको जितना बच्चा डिमांड करता है आपको ध्यान रहे कि आप बच्चे को दिन में 5 से 6 या 6 से 7 बार भी दे सकते हैं, बट एक टाइम पे आप बच्चे को उतना ही खाना दे जितना वो डिमांड कर रहा है। थर्ड दोस्तों, आप ध्यान रख सकते हैं कि बच्चा दिन में स्नैक्स वगैरह कितना ले रहा है, क्योंकि अगर बच्चा ज्यादा स्नैक्स वगैरह लेता है सो उससे भी जो बच्चे की भूख लगने का सिस्टम होता है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। आपको याद रहे कि बच्चा जब भी स्नैक्स आपका खाता है तो आप उसको ड्राई फ्रूट्स दें या फिर फ्रूट्स दें, सो उससे क्या होगा बच्चा स्नैक्स खाना कम करेगा और उसका जो भूख लगने का सिस्टम है वो भी सही हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, अगर बच्चा खाना खा रहा है और खाने के बीच में बच्चे को प्यास लगती है तो उस टाइम पे आप उसको कोई भी जूस या फिर ऐसा कोई चीज ना दें, आप उसको नॉर्मल पानी दे सकते हैं जिससे कि उसकी जो भूख है वो प्रॉपर रहे, क्योंकि अगर आप उसको जूस दे देंगे तो उससे जो भूख है उसकी, उसका जो पेट है वो जूस से भर सकता है। तो आपको रहे कि खाने के बीच में उसको सिर्फ नॉर्मल पानी दें। और दूसरा दोस्तों, आप बच्चे को अपने हाथ से खाना ना खिलाएं, अगर आपका बच्चा थोड़ा समझदार हो गया है तो उसको खुद से ही खाने दें। थर्ड, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका बच्चा सो के उठा है तो तुरंत उसको खाना ना दें, उस टाइम पे भी वो खाने को लेके मना कर सकता है। आपको ध्यान रहे कि कुछ टाइम उसको कुछ टाइम खेलने दें, उसके बाद ही उसको खाना दें। लास्ट, आपको याद रखना है दोस्तों, बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी जरूर करानी है। बच्चे को आप पार्क में ले जा सकते हैं जिससे कि वो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उसका जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा मतलब मूवमेंट होगा बॉडी में, तो उस टाइम भी बच्चे को भूख बहुत अच्छे से लग सकती है। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए सो वीडियो को करना है लाइक। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को करेंगे सब्सक्राइब ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।